एक सेकेंड, पूरी पॉपुलेशन की एवरेज हमें पता है, एक केस ऐसा हम लेके चलते हैं कि कंपनी ने कभी ना कभी कुछ ऐसा कराया होगा, तो ऐसा सबका पता है। नाउ द एंटायर कंपनी वेंट थ्रू द ट्रेनिंग, एंटायर कंपनी वेंट थ्रू द ट्रेनिंग, और उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग टू चेक कि वेदर व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, तो आपने 30 मतलब 30 नहीं, लेट्स से बिगर सैम, एक केस में हमने 100 लोगों को लिया और पॉपुलेशन जो कंपनी है वो 5000 के समथिंग में है ऐसे मान लो, तो 100 लोगों का लिया एंड इट हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लेट्स से 5, ठीक है। तो एक केस में लिया जिसमें हमने सैंपल लिया 100 का, एक केस लिया हमने सैंपल लिया 30 का, फिर हमने उसकी आईक्यू एवरेज आईक्यू स्कोर की मतलब चेक किया, इनका आया 102 और इनका भी आया 102, ठीक है, ऐसा कुछ आया 102 नहीं 104 रख लेते हैं, किसका चल रहा है एकदम, सॉरी रुक जाओ, इसको हमने क्या कर लिया 104 रख लिया, ठीक है, ये आया। अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इन कंसिडरेशन इज कि डिड द ट्रेनिंग, कर तो दिया क्लास रिकॉर्ड कर दिया मैंने, अच्छा डिड द ट्रेनिंग, I think it was getting recorded. Did the training increased the IQ level of employee? ठीक है, ऐसा अभी हमने दो केस लिया है एंड आई विल बी टेलिंग यू ए नंबर ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, टू मेक द टेस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं, एंड हाइपोथेसिस में वी मेक एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका कोई बहुत फिक्स रूल तो नहीं है, बट नो चेंज का सिचुएशन जो है या मोस्ट ऑब्वियस जो रिजल्ट हो सकता है उस सिचुएशन को हम लोग नल हाइपोथेसिस में रखते हैं। इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि डिड नॉट चेंज, और इस केस में मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप की थी, चूंकि हम यहां पे इंक्रीज्ड बोल रहे हैं, तो आईक्यू आफ्टर ट्रेनिंग इंक्रीज्ड, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस हो गया आपका। अब मुझे बताओ कि क्या हाइपोथेसिस देख के कैन यू आइडेंटिफाई कि ये विच टेल टेस्ट है? क्या हाइपोथेसिस देख के कैन यू टेल कि ये कौन सा, विच टेल, वन टेल और टू टेल, विच टेल टेस्ट है? जल्दी बताते चलो, वन टेल हुआ ये वन टेल हुआ क्यों? हाँ, क्योंकि सिर्फ इंक्रीज का ये है, डिक्रीज का नहीं, मतलब दोनों तरफ से नहीं दिखा रहे हम चेंज। मतलब कि ये सिर्फ एक तरफ इंक्रीज के लिए ये चेक करना चाहता है, ठीक है, तो ये वन टेल टेस्ट हो गया। अब कैन यू टेल फ्रॉम, अच्छा इसमें ये भी एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि
आपको 95% सिग्निफिकेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल पे ये टेस्ट कंडक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब पहला वाला केस जो है वो कौन से टेस्ट में लाई करेगा? पहला वाला टेस्ट। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे हम किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, किस वैल्यू की? बोलते चलो, मीन वैल्यू की कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मीन और सैंपल का मीन। तो मीन वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट जो है वो कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा, बताओ? एनीवन? जेड स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। क्यों? जब भी मीन टेस्ट कर रहे हो और नंबर ऑफ तुम्हारे जो सैंपल है वो 30 से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जेड स्टेटिस्टिक्स लेते हैं। अब स्टेटिस्टिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई भी सैंपल लेंगे तो अगर मैं बिना ट्रेनिंग के भी, अगर मैं बिना ट्रेनिंग के भी आउट ऑफ दिस 5,000 पॉपुलेशन 100-100 लोगों का, 100-100 लोगों का ग्रुप बनाता, ठीक है, अगर मैं बिना ट्रेनिंग का भी, विदाउट ट्रेनिंग, इवन ऑब्जेक्टिव स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वो पैरामीटर्स आते हैं कहाँ से, अगर बिना ट्रेनिंग के भी 100-100 लोगों का ग्रुप हम बनाए तो उसका भी बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। कितने ग्रुप बन जाएंगे? 5,300 इतने ग्रुप बन जाएंगे, ये जो कि बहुत होता है, मतलब 5,000 पॉपुलेशन है और 100-100 का सेट्स बना, तो उसका भी जो एवरेज आएगा, इन सारे ग्रुप्स का जो एवरेज, आईक्यू का एवरेज होगा, है ना, वो भी फिर से 95 होगा, बट द मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी डिक्रीज, मैक्सिमम भी कम हो जाएगा और मिनिमम भी कम, ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये एक नया कर्व बन जाएगा जो सैंपल्स की आईक्यू का कर्व है, बट इट विल नॉट बी द प्योर एवरेज, ये 95 वाला नहीं होगा। जबकि हम सैंपल की बाय डिफॉल्ट डिफिनेशन क्या होती है, सैंपल की, सैंपल की बाय डिफॉल्ट डिफिनेशन होती है विच कैन रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। ऐसा हम मानते हैं कि सैंपल ऐसा होना चाहिए, आप 100 लोग लोगे तो वो पॉपुलेशन के ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो एरर हो इतना माइनर हो कि उसको उस बफर जोन में माना जा सके कि वही होगा। बट यहाँ क्या आप देख रहे हो कि ये 95 पे तो है ही बहुत सारे, बट देर इज डेविएशन ऑल्सो। तो ये जो डेविएशन है, इस मतलब इस डेविएशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। और सैंपल एरर, तो अब ये बात मैंने यहां क्यों की कि अगर मैं बिना ट्रेनिंग दिए भी अगर 100 लोगों को टेस्ट करता तो देर वुड हैव बीन फेयर चांस, और फेयर तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, एक ऐसा चांस जरूर होता कि वैल्यू जो है 104 के आसपास आ सकती थी, ठीक है। तो अब वैल्यू जो अगर 104 के पास आ सकती थी तो अब हमें ये देखना है कि क्या मैं इस वैल्यू को, मतलब 104 को इतना मानूं कि वैसा नहीं ही आता, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर आया है, मतलब कि 5% ही प्रोबेबिलिटी है कि वो बढ़ा नहीं होगा, है ना। तो इसमें जब अगर हमारा 104 की वैल्यू उस रेंज से बाहर चली जाती है, एक रेंज हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे एक रेंज हमने डिफाइन किया, अगर उससे बाहर चली गई तो हम ये मान के चलेंगे कि बढ़ा है,
तो बेसिकली वी कैलकुलेट अ जेड स्कोर। तो जब भी आप टेस्ट करते हो तो पहले सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस टेस्ट का। एंड सिंस यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली रिमेम्बर द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है कि लोग दे देते हैं कि जेड का वन टेल पॉजिटिव, जेड की वैल्यू जो है 1.92 होती है, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में -9.92। तो ये जो हमारा आया डिफरेंस 104 -98 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व का स्टैंडर्ड बेस है ना वो स्टैंडर्ड एरर है, ये डिवाइड करने के बाद जो जेड स्कोर आ रहा है, अगर मेरा 2.42 ऐसा आ गया विच इज मच हायर देन 1.92, देन वी विल से कि हाँ टेस्ट का इम्पैक्ट 95% चांस है कि पड़ा है, दैट्स आवर कॉन्फिडेंस लेवल। सिर्फ 5% ही ऐसा चांस है कि हो सकता है ना पड़ा, बट 95% चांस इज अ गुड चांस टू टेक द रिजल्ट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो ये तो हुआ जेड स्कोर, जिसमें एक जेड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से हम कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों मीन को कंपेयर करते हैं, एंड देन वी से कि आइदर इट इज इंक्रीज और नहीं। अगर आपके सैंपल छोटे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 100 का हमने सैंपल लिया था, जैसे मान लो कि 100 का हमने लिया था, हमने बोला था ये कम एरर देगा, तो 30 में ये ज्यादा एरर देगा, और 30 में ये ज्यादा एरर देगा, तो इसका जेड मतलब सैंपल ना लेके टी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफाइन करते हैं, वो होता है कि एक ही पॉपुलेशन से अगर हम एक सैंपल निकाले 30 या 30 से कम लोगों का, तो उसके पॉपुलेशन के एवरेज के साथ फॉलो करने का क्या वो होगा, पैटर्न होगा। तो यहाँ पे ये जेड का पैटर्न है, वो टी का पैटर्न होगा। तो अब टी का जो पैटर्न है टी डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो स्टेटिस्टिक से चेक करेंगे हम। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब ये याद रखना है कि 30 से कम है तो टी स्कोर हम निकालेंगे। एवरी टाइम वेन देर इज अ टेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट ए स्कोर। टी स्कोर निकालने पे एक रेफरेंस स्कोर होगा, जैसे जेड के लिए 1.92 था, टी स्कोर मतलब रेफरेंस स्कोर फॉर टी है ना, रेफरेंस वन टेल 95% कॉन्फिडेंस, इस पे एक रेफरेंस वैल्यू होगी आर, मान लो इसको टी आर मान लो। अगर आपका टी स्कोर टी आर से बड़ा है, मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू यानी कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर कम है तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो अब आप क्या समझें कि एक ही सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन यहाँ पे है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, इम्पैक्ट जो हम मेजर कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ सैंपल पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर वी शुड टेक जेड टेस्ट और टी टेस्ट। तो अभी तक मैं आपको क्या क्या पता चला कि अगर मीन को कंपेयर करना है पॉपुलेशन टू वन सैंपल, ठीक है, पॉपुलेशन टू वन सैंपल, पॉपुलेशन टू वन सैंपल, तो इसको वन सैंपल टी टेस्ट या जेड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट लगाएंगे, जेड तब जब 30 से ज्यादा लोग हों और टी टेस्ट तब जब 30 से 30 से कम हो। ये एक रेफरेंस फिगर है 30 का, ऐसा तुम 45 में भी टी टेस्ट लगा सकते हो, बट ठीक है। अब आता है एक दूसरा सिचुएशन सुनो सीसी में, कि व्हाट यू डिड कि कंपनी ने आपको बुलाया, अगेन द कंपनी हैव 5,000 पीपल, ठीक है। अब चूंकि बड़ा सैंपल लेके काम करना थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो लोग छोटे सैंपल पे ही काम करते हैं। इवन साइकोलॉजी में यू विल नॉट फाइंड 100 100 पीपल एवरी टाइम, तो हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन से काम चलाना पड़ता है, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट वही रहती है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कम सैंपल से भी काम चल सकता है। अब तुम वही काम के लिए बुलाया गया है तुमको कि आप आओ ट्रेनिंग दो, बट ऑल्सो गिव अस द प्रूफ दैट वेदर योर ट्रेनिंग हैज बीन इफेक्टिव और नॉट।
तो अब हमने दो तरीके से हम कर सकते हैं इस टेस्ट को। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, 30 लोग रैंडमली उठाए, इसमें से उनका आईक्यू स्कोर मेजर किया, मीन आईक्यू स्कोर आ गया मान लो X1। फिर आपने इन्हीं 30 लोगों को ट्रेनिंग दिया, फिर इन्हीं 30 लोगों का सेम 30 लोगों का आपने फिर से आईक्यू स्कोर मेजर किया एंड मीन वैल्यू आया X2। तो इस केस में एक तो 30 का फिगर है, 30 से कम का फिगर है, तो आपको याद रखना है कि टी स्कोर की बात हो रही है। यहाँ पे जो सैंपल मैंने यहाँ लिया था उसी सैंपल को आई एम इन रिपीटिंग इट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल। ये बहुत बार बार पूछता है, ये सब ध्यान रखना, डिपेंडेंट सैंपल। अगर इसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा किए होते कि 5,000 लोगों का कंपनी है, एक दूसरी कंपनी आई जिन्होंने ट्रेनिंग देती है, उन्होंने 30 लोगों को उठाया, ठीक है, और 30 लोगों का उठाकर ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है, तो मेजर नहीं किया कि उनकी अभी करंट क्या है, और उसका आ गया हमारा X1। अब आपने क्या किया, ये X2 रख लेते हैं क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग की बात हो रही है, बट ये इन्हीं 30 लोग, आपने क्या किया, अब उन 30 लोगों को बिफोर ट्रेनिंग, तो आप जा नहीं सकते वापस टाइम में पीछे, तो आपने फिर से रैंडम दूसरे 30 लोगों को उठाए और फिर उसका IQ मेजर किया एवरेज, और यू फाउंड इट X1। इस केस में क्या हुआ कि द 30 विच यू आर टेकिंग एज अ रेफरेंस एंड द 30 विच यू आर टेकिंग एज अ आफ्टर ट्रेनिंग वाला रेफरेंस, दे बोथ दीज बोथ सैंपल्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, तो उसको इंडिपेंडेंट सैंपलिंग। ठीक है, फिर ये हो गया डिपेंडेंट सिंगल, वो हो गया। अब अच्छा, इसमें दोनों में जैसे यहाँ पे होता है कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है तो 1 टेल, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको 2 टेल बोलेंगे, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज का अगर बात हो रहा है तो हम उसको 1 टेल इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, मतलब कि जो सैंपल का या प्रीवियस का, जैसे ये मीन है तो इससे बढ़ने का बात हो रहा है या घटने का बात हो रहा है, तो उस केस में 1 टेल बोलते हैं। और अगर डिक्रीज मतलब चेंज होने की बात हो रही है कि ये सैंपल का और दूसरे का चेंज ही हो गया, ठीक है, ये चेंज हुआ है, तो उस केस में हम इसको 2 टेल कहते हैं क्योंकि दोनों तरफ चेंज हो सकता है। बस होता क्या है कि जेड स्कोर फॉर 1 टेल और जेड स्कोर फॉर 2 टेल, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जेड स्कोर मतलब कि जिस जिस रेफरेंस स्कोर जिससे हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से अभी मीन हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो हमने ये लगाया, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कंपेयर करना है तो जेड में ही तो प्रोबेबिलिटी होता है ना, आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जेड में P1 P2, तो पी टेस्ट भी करते हैं तो पी टेस्ट इज सेम लाइक जेड टेस्ट, बस इसकी स्टेटिस्टिक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जेड में हम जेड स्कोर बोलते हैं और पी में उसी स्कोर का प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, मीन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी वैल्यू का टेस्ट पी टेस्ट भी सेम है जेड टेस्ट के जैसा। अगर मान लो कि दो सैंपल है, दो पॉपुलेशन है, और इनका सैंपल निकाल के अगर तुम वेरिएंस के टेस्ट करते हो, तो वेरिएंस के टेस्ट के लिए हम लोग एफ टेस्ट यूज करते हैं। थोड़ा लेस लेस यूज है, लेस यूज टेस्ट है, क्योंकि ये वेरिएंस का स्टेटिस्टिक्स देता है कि अगर हम 30 का लेंगे तो किस तरह का वो कर्व फॉलो करेगा, ठीक है, वेरिएंस का बड़ा कि छोटा ऐसे।
कभी कभी मीन टेस्ट करने से बेटर होता है वेरिएंट टेस्ट करना, ठीक है? तो इसको हम एफ टेस्ट बोलेंगे। इसी तरह से मान लो कि जैसे मान लो कि हमने बोला कि एक एग्जाम हुआ जिसमें 30% लोगों ने, पॉपुलेशन का 30% लोगों ने 40% से 60% के बीच में स्कोर किया है, 40% लोगों ने 60 से 70% के बीच में स्कोर किया है, और 25% लोगों ने 70 to 90% के उसमें स्कोर किया है, ठीक है? ये पॉपुलेशन का परसेंटेज है, ये मार्क्स का परसेंटेज है। अब मान लो कि ये डेटा तो हमारे पास सिर्फ परसेंटेज वाइज है, कैन वी टेल कि ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, मतलब कि मैक्सिमम एवरेज जो होगा 60 से 70 के बीच में, मतलब 65 के पास एवरेज होगा, और इनका भी एक ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन बनना चाहिए जो नॉर्मल कर्व या बेल केव कर्व जैसा हो। बट यहाँ पे तो पूरा डेटा है नहीं, वी कैन नॉट मेक अ दिस काइंड ऑफ ग्राफ थ्रू दिस। तो अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है एंड इफ समवन इज आस्किंग कि डज दिस डेटा, डज दिस स्टैटिस्टिक्स और डेटा फॉलोज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा अगर पूछ दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर मतलब ये जो वैल्यूज है, ये इसमें फिट बैठेंगे कि नहीं। तो गुडनेस ऑफ फिट का चेक है ये। तो ऐसे चेक्स को हम करते हैं काई स्क्वायर से, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। और काई स्क्वायर के एक दो और है, हम लोगों नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मेन्यूअर। तो अच्छा, इसी तरह से कोरिलेशन का है, अभी स्टैटिस्टिक्स वाइज भी और एक एक एग्जांपल वाइज भी हम बताएंगे अगली क्लास में। इसी तरह से कोरिलेशन कोफिशियंट है, तो कोरिलेशन कोफिशियंट का चेक भी होता है, फिटनेस का चेक, फिट का चेक। तो उसको रैंक पियर्सन टेस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होके, जो वैलिड और साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कोई टेस्ट करते हो, जैसे आप ऊपर जेड टेस्ट लिए तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, टी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ भी डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें खुद ही वो चेंज को एडॉप्ट करके वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है, उसमें बोला कि इस रेंज में रहेगा तो ठीक है, इस रेंज से बाहर होगा तो नहीं लेंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले चेंज पे अगर हमने टेस्ट क्रिएट किया है तो उसको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। यहाँ वो तब पॉसिबल है जब आपका डेटा कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग वी यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ऑल्दो वी प्रेफर टू यूज पैरामेट्रिक टेस्ट, लेकिन समटाइम्स आवर सिचुएशंस आर नॉट दैट गुड एनफ इन टर्म ऑफ आवर डेटा कि हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है? अभी क्या है कि अगर मान लो आपने कोई टेस्ट यू किया और पैरामीटर के हिसाब से ऐसा हुआ कि वो आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सॉरी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए थे, ठीक है? और उसमें क्या हुआ कि आपने चेक किया एंड यू एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और ये ट्रू है, तो मतलब क्या हुआ, यू फॉल्स पॉजिटिव। इसको एकदम याद रखना क्योंकि कई बार गड़बड़ आता है। फॉल्स पॉजिटिव आपने पिक कर दिया कि आपने ऊपर आपने लिया, स्टेटिस्टिक्स ऐसा है एंड यू डोंट नो, मतलब रिसर्चर को अगर पता ही रहता है कि हम एरर कर रहे हैं तो रिसर्चर फिर एरर ही क्यों करता?
तो रिसर्चर को तो पता नहीं है, उसने तो अपना स्टैट यूज किया जो भी स्टैट्स ने सिखाया है, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो आपके चांस में आता है कि आपने नल को एक्सेप्ट करना था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेड, तो ये फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं इसकी, आपका टाइप वन एरर है और अल्फा एरर है। सिमिलरली अगर आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ नहीं गए और ये गलत है, यहाँ आपको इसको रिजेक्ट करके ये सही होना चाहिए था, ये ट्रू वाला है, इस केस में आपने क्या कर दिया, फॉल्स नेगेटिव। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, कैन समबडी चेक। हाँ ठीक है, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया फेल्ड टू रिजेक्ट, ठीक है फेल्ड टू रिजेक्ट, ऐसा कंफ्यूज करने का स्टेटमेंट लेना, हम हमेशा कंफ्यूज जाते हैं। फेल्ड टू रिजेक्ट मतलब आपको रिजेक्ट करना था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये फॉल्स नेगेटिव हो गया, और ऐसे एरर को हम बोलते हैं टाइप टू एरर। तो ये आप समझिए कि ये मिस्टेक नहीं है, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, इफ यू आर थिंकिंग कि गलती किया होगा जानबूझ के, ऐसा नहीं है, ये आपके स्टेटिस्टिक्स का एरर है व्हिच इज बाउंड टू बी हैपन इन दैट केस। तो इस तरह से आप ऐसे नहीं सोचोगे कि टाइप वन टाइप टू एरर है तो मतलब रिसर्चर ने गलत किया है, तो वो ऐसा नहीं है, वो मतलब ह्यूमन एरर नहीं है, वो टूल एरर ही है एक तरह से, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम डिफाइन करके हम रिसर्च के आउटपुट को बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मतलब उसको इग्नोर कर देना चाहिए कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले को ही सच माने, कभी कभी लेस प्रोबेबिलिटी कैन ऑल्सो मेक द इवेंट हैपन, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये सारे जो है पैरामेट्रिक टेस्ट हैं जितना भी हमने बताया। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एक एक करके हम बताएंगे, हर का अल्टरनेट, जैसे कभी मीन मेजर करना है, कंपेयर करना है, बट वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या कर रहे हैं, तो वैसे केसेस को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आप लोग क्या क्या सीखे, आज आपके पास अब ऐसा होगा कि अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि डिपेंडेंट सैम्पलिंग, इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग, कौन सा ये इसमें से कौन सा हाइपोथेसिस नल हो सकता है, कौन सा अल्टरनेट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड टेस्ट क्या होते हैं, मीन कंपेयर करना हो, वो ज़्यादा बड़ा सैंपल हो तो सिंगल मीन टेस्ट करना है या डबल हो रहा है तो कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आज आपके उसमें हैं।